एंड ब्लॉग्स एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ह्यूज अमेजन होम डेकोर हॉल वीडियो। और इस वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन सारे प्रोडक्ट्स के जो प्राइस है वो स्क्रीन पे आ जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये एक बेड साइड रनर जिसका साइज है 14 to 120 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका कलर कॉम्बिनेशन है वाइट एंड पीच में। और इसका जो मटेरियल है वो है माइक्रोफाइबर का, बैक साइड मटेरियल है रबर का और ये मशीन वॉशेबल है, एंटी स्किड है, ग्रूम्स भी दिया गया है जो कि आपको स्लाइडिंग से प्रिवेंट करता है। तो ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, ये इस टाइप का है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा यही है ये। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये 3-ply मैक्रम थ्रेड 6 का सेट है ये। और कलर जो है वो है, ये है पिंक कलर में, फिर ये एक है स्काई ब्लू, फिर ब्लैक कलर में है, एक है वाइट कलर में और ये है लाइट ब्राउन कलर में, फिर एक है बेबी पिंक। तो ये DIY या फिर आप प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, DIY पर्पस के लिए ही मैंने लिया है। तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट और इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन का। तो इसमें वैरायटीज कलर में भी मिल जाता है, अलग अलग कलर में आप खुद चूज करके ले सकते हो। तो ये एक लिया है मैंने मेरा नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर और मैं आपसे मिल रही हूँ अभी एक घंटे के बाद। सेकेंड प्रोडक्ट दिखाने के बाद क्या हुआ, मेरे मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था, फिर चार्ज में लगा के एक घंटे के लिए बैठी थी मैं ऐसे ही। और अभी मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने जहाँ पे सेट किया है मोबाइल को वहाँ पे चार्ज लगाने के लिए कोई भी मतलब प्लग पॉइंट नहीं था, नहीं है प्लग पॉइंट नहीं है। तो ओके बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। तो ये है एक नेट कर्टेन और ये है 7 feet का और क्रीम कलर में है ये। इसका पैटर्न जो है वो है स्ट्रिप्स, ये देखिए स्ट्रिप्स पैटर्न में है ये और पॉलिस्टर मटेरियल है। कर्टेन पैनल हैज 8 विंटेज आईलेट रिंग्स, ये यहाँ पे इस टाइप का है, 8 रिंग्स लगाया गया है यहाँ पे। और ये मशीन वॉशेबल है। तो ये जब मैंने ऑर्डर की थी ना तो मैंने तो ऑर्डर कर लिया, फिर मेरा ध्यान गया कि इसमें एक ही पीस था, एक ही पीस का रहता है, फिर मैंने अलग से और एक पीस ऐड किया है। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये इस टाइप का है, कलर भी बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये कलर। तो ये मैंने 2 पीस लिया है इस टाइप से, ये है एक। तो ये है मेरा थर्ड प्रोडक्ट। और ओके देन चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो फिर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी है एक कर्टेन ही है सेम, और इसका भी ऐसे 8 रिंग लगा हुआ है इस टाइप से, 7 feet का है, सेम ही है सब, बस ये जो मटेरियल है वो है कॉटन का, बहुत ही अच्छा है, ये सॉफ्ट भी है। इसका कपड़ा जो है मुझे ये मटेरियल बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा है क्वालिटी। और ये 2 का सेट ही था एक ही ऑर्डर में, मुझे अलग से ऑर्डर नहीं करना पड़ा। तो ये भी 7 feet का है, कॉटन का है, वॉशेबल, मशीन वॉशेबल भी है। तो नेक्स्ट ये वाला है और इसका कलर है बेबी पिंक। तो ये 2 का सेट था एक साथ में, तो ये लिया है। और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये बोलस्टर कवर, ये इस टाइप से, और इसका कलर है वाइट एंड ब्लू में, स्काई ब्लू और रॉयल ब्लू कलर में है ये, इस टाइप से है। तो ये मैंने 2 का सेट लिया है ये। ये भी प्योर कॉटन का है, इसमें इस टाइप से, ये इसे क्या कहते हैं, नाड़ा जैसे कि नाड़ा होता है ना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इसे क्या कहते हैं, अभी नाड़ा ही याद आ रहा है। तो नाड़ा लगाया गया है दोनों साइड में। ओ माय गॉड। तो ये है 2 का सेट, ये लिया है मैंने नेक्स्ट। और फिर अभी चलते हैं अगले प्रोडक्ट में। ये कितना हो गया, 3, 4, ये है 5, फिर है 6 नंबर का, फिर मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट जो लिया है। ओके देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हैंडमेड पॉट होल्डर और इसका कलर है आइवरी कलर में है, ट्रायंगुलर शेप में, और इसका जो मटेरियल है वो है कॉटन का।
तो आजकल इसका ट्रेंड इन है, बहुत चल रहा है, तो मैंने भी ले लिया है। और ये भी मुझे बहुत पसंद आया, दो का सेट है ये इस टाइप से। यहाँ पे पॉट रखूँगी प्लांटर्स, तो ये दो का सेट है, ये लिया है मैंने। और अभी बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की ओर। तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये दो कुशन कवर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और ये है मार्बल प्रिंटेड कैनवास डिज़ाइन में, कॉटन का है, प्योर कॉटन का है ये मटेरियल। और इसका जो साइज़ है वो है 12x18 इंचेस। ये भी मशीन वॉशेबल है। तो ये है वाइट पिंक एंड ब्लैक कलर में, बेबी पिंक कलर है, और साथ में पीच कलर का भी टच दिया गया है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। फिर बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की और तो अगला जो प्रोडक्ट है वो है एक डबल बेडशीट, और इसके साथ बॉर्डर फिल पिलो कवर, ये इस टाइप का है। ये बहुत ही खूबसूरत है, पिलो कवर का जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत पसंद आया। और इसका कलर है बेबी पिंक कलर बेडशीट का भी, और इसका साइज़ है 19x29 इंच, पिलो कवर का साइज़। और बेडशीट का साइज़ है 19x97 इंचेस। और इसका जो मटेरियल है वो है माइक्रो फाइबर का। तो इसका कलर जो है वो मुझे इतना पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही अच्छा लगता है ये कलर। तो ये है अगला प्रोडक्ट, और ये भी मशीन वॉशेबल है। ये है वो बेडशीट, डबल बेडशीट है, लेकिन मुझे लगता है ये किंग साइज के बेड में भी आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो ये बेड है वो है डबल डबल बेड, लेकिन इसमें मैंने ये टकिंग लगाया नहीं है। ये देखिए दोनों तरफ से काफी बड़ा है। ये है डबल बेड शीट विथ टू पिलो कवर्स बॉर्डर फ्रिल डिज़ाइन में। तो ये है एंड द लास्ट प्रोडक्ट बट नॉट फॉर द लिस्ट है, वो है ये एक सेरामिक टेबल लैम्प, और इसका कलर भी पिंक में है। और इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा ये चीप क्वालिटी का लगा, और फिर साइज़ भी बहुत ही छोटा है। तो इसके अंदर जो बल्ब है वो भी मुझे अलग से लेना पड़ा, तो इसलिए मुझे इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा लगा और बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसे मैं बढ़ाने के लिए, इसका साइज़ जो है, इसका मतलब लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, बल्ब को पहले यहाँ पे लगाया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था। और फिर मैंने इसके ऊपर, मैंने सोचा है कि इस टाइप से रखूँगी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये है मेरा आइडिया है ये, बाकी आप लोग बताइएगा। तो गाइज यही था मेरा अमेजन होम डेकोर शॉपिंग हॉल, और आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आज मैंने जितने भी प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया है उनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट का जो कलर है वो है पिंक कलर में, और पिंक के साथ मिलता जुलता ही मतलब कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मैच करता हुआ मैंने लिया है। तो गाइज अगर आप जानना चाहते हो कि ये सारा प्रोडक्ट्स जो है वो मैं कैसे और कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की न्यू अपडेट सबको मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। प्रोजेक्ट है मेरा, ये प्रोजेक्ट बोले थे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक